है दोस्तों, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेसबुक पेज चलाते हो तो आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि रेगुलरली कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आ ही जाती है जो भी फेसबुक पे काम करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किस तरीके की प्रॉब्लम, जो कि होता है म्यूट करने का, या आपके कॉपीराइट क्लेम आ जाए, या कॉपीराइट कुछ भी, मतलब आपका जो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो उसको कैसे हटाएंगे, किस तरीके से हटाएंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको फटाफट से 10 से 5 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसमें ही सारा कुछ सीख जाएंगे दोस्तों। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे पास फेसबुक होता है, फेसबुक पेज होता है, ठीक है। तो पहले तो मैं फेसबुक पेज को क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। देखो जी, ये मेरी प्रोफाइल है। प्रोफाइल के बाद यहाँ पर मैं आप चलेंगे, यहाँ पर चलने के बाद आपको संदीप ब्लॉग 23 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो उस पर क्या करेंगे, ओके कर देंगे। डन, आप पेज पे ओके करने ओके बाद इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आ गया तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। देन जिस वीडियो पर मेरा वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वो वीडियो है, तो मुझे म्यूट कर देता हूँ इसकी वॉल्यूम। उसके बाद जो मेरा वीडियो पे आया हुआ है उस पर मैं ओपन कर लूँगा, और किस टाइप का ओपन है यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो है जिस पे आया है कॉपीराइट क्लेम, यहाँ पर मैं उसको पोज कर देता हूँ। पोज करने के बाद दस योर वीडियो इज म्यूटेड इन करेक्टेड एंड देयर मेटा डज नॉट हैव बीन म्यूजिक राइट। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली लिखा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। उसके बाद लिखा ओनली यू कैन सी दिस मैसेज, इस मैसेज को ओनली आप ही देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता। और ये कॉपीराइट क्लेम क्यों आया है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसमें मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक का उपयोग किया था, उसी पे ये कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। तो दोस्तों इसको किस तरीके से हटाएंगे इसमें ये बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप भी कोई कॉपीराइट क्लेम जो यूज करते हो, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब के कॉपीराइट क्लेम अलग होता है और इसका फेसबुक का अलग होता है। यूट्यूब से क्या होता है, जो हम कॉपी नॉन कॉपीराइट वीडियो जो है डाउनलोड करके और इसमें लगा देते हैं तो फेसबुक पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अब इसको करना क्या है कि फेसबुक का अलग अक्से कॉपीराइट क्लेम वाला जो म्यूजिक होता है, वो आपको अगर नहीं मिल रहा है, अगर नहीं पता है, तो मैं आपको दे दूंगा, उस पर आप लगा सकते हैं, उस पर आपका कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा फेसबुक पर, ठीक है। तो देन इसको हटाएंगे कैसे, यहाँ पर इसके जो लिखा हुआ है इसके ऊपर हम देन एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस टाइप से आपका वीडियो जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, लिखा है जो पहले लिखा था, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है पोस्ट म्यूट वीडियो, ठीक है, पूरी पोस्ट का म्यूट वीडियो कर सकते हैं। यहाँ पर रिबूट ऑडियो कर सकते हैं, देन डिलीट वीडियो कर सकते हैं। आपके पास तीन ऑप्शन है, वन क्या है कि पोस्ट को म्यूट कर सकते हैं, देन ऑडियो को रिबूट कर सकते हैं, देन वीडियो डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भाई अगर आपके वीडियो अच्छे खासे व्यूज आई हैं, देन आपने अभी अपलोड किया है, तुरंत ही आ गया, आपका एक भी व्यूज नहीं है, तो आप चाहें डिलीट करके उसको फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको मैं ऐसे भी निकालना सिखाऊंगा, ठीक है, आप चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। आपका अगर अच्छा खासा व्यूज आ चुका है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, जो बीच वाला ऑप्शन है रिबूट ऑडियो, उस पर आपको टैप कर देना है कुछ इस टाइप से आपको करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो उस पर आपको फिर से यहाँ पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर रिबूट ऑडियो आ जाएगा, यहाँ पर आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपका जो है यहाँ ऑडियो जो है रिबूट स्टार्ट हो चुका है। आपको कुछ ही देर में जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है योर वीडियो इज बिन म्यूटेड, वो आपका हट जाएगा 100%, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, और फॉलो का बटन अगर आपके मोबाइल पर फेसबुक पेज पर नहीं आ रहा है, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फॉलो का बटन आ रहा है, तो मैंने इसको किस तरीके से लगाया है ये आपको अगर जानना है, और आपको भी फॉलो बटन लगाना है, तो मेरा वीडियो ज़रूर देखें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर फेसबुक और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। और भाई को प्यार करो, सपोर्ट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।